मोगा ऑल इंडिया फीड मिलर स्टेशन की तरफ से जालंधर बाढ़ पीड़ितों के लिए 5 लाख की कैटल फीड भेजी गई है। इन तीनों गाड़ियों को डिप्टी कमिश्नर श्री संदीप हंस जी द्वारा झंडी देकर रवाना किया गया। इस मौके पर ऑल इंडिया फीड मिलर के प्रधान और सदस्य हाजिर थे। वहीं जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की मार मनुष्य की भी तो सुन लेते हैं, परंतु बेजबान जानवरों की सबसे ज्यादा बुरा हाल है। यह एक पंजाब लेवल की संस्था है जिन्होंने 5 लाख की फीड बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजी है। वहीं जानकारी देते हुए संस्था के प्रधान ने बताया कि हमारी संस्था की तरफ से बाढ़ पीड़ितों में हुए बेजबान पशुओं के लिए 5 लाख की फीड भेजी गई है। हमारी संस्था की तरफ से हर वक्त आने वाली कुदरती आफतों के लिए भी तैयार रहती है। मोगा से कैमरामैन राजेंद्र कुमार के साथ संजीव अरोड़ा की रिपोर्ट। यह नियर अबाउट 5 लाख रुपए की फीड जिहड़ी कि दिती गई आ। लोड़बंद जिहड़े पशु सीगे, इंसान तो अपना तुर फिर के गुजारा कर सकता, परंतु पशु नहीं दस सकता मैनू की जरूरत आ। पशु की जरूरत देखते हुए साड़ी आल फीड मिलर्ज एसोसीएशन पंजाब कन्यो ये छोटा जा उपराला किया गया। ये एसोसीएशन कुदरती आपता या कोई वैसे आपता आते सरकारी बेसरकारी हर जगह हर किते हर टाइम उन्होंने नाल मोढ़े नाल मोढ़ा ला के खड़ी है। तो असी इस तरीके दे होर भी उपराले करते रहांगे। ये सारी आल फीड मिलर्ज एसोसीएशन कन्यो किया गया वा। ये पहला साड़ी जी है रायकोट इकाई है जी ऑल फीड मिलर एसोसीएशन की, उतों जी है ऑलरेडी 2 गड्डियां जा चुकी हैं। हूँ जोड़ा है असी तलवंडी भाई बाघा पुराणा मोगा धर्मकोट अहमदगढ़ सरहंद इन्ह एरिया कॉन्टैक्ट करके लगभग 500 के करीब जो बैग इकट्ठा करके असं अब भेजन लगे हाँ। साड़िया होर भी वक् वक् थावान इकाइया बनिया हुई हैं, जिमें जिमें सूँ लग्या कि हाँ भी उत्थे जिमें जिमें लोड़ पै रही है असी जो लोड़वंद फार्मर ट्रेस कर रहे हैं उवें उवें असं आप वक् वक् थावान तो जी फीडा भेजते रहेंगे। आगे तो बात करते हैं।